सिटी में अतिक्रमण के सफाई को लेकर हाईकोर्ट ने अनेक बार मनपा एनआरटी को हंटन लगाया है। अदालत का डंडा चलने पर कुछ खानापूर्ति की कार्रवाई की जाती है और फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। राका अजीत पवार गुट के शहर अध्यक्ष व प्रवक्ता प्रशांत पवार ने प्रेस परिषद ली। प्रेस परिषद के माध्यम से अदालत से विनती की गई कि अतिक्रमण के संदर्भ में रिपोर्ट के लिए जो संयुक्त पर्यवेक्षण समिति गठित की गई है उसकी रिपोर्ट पर विश्वास न करें, क्योंकि जो जानकारी कार्रवाई के संदर्भ में अदालत के समक्ष इनके द्वारा रखी जा रही है वह हमारी समझ से सही नहीं है। उन्होंने अदालत से निवेदन किया कि अतिक्रमण के खिलाफ मनपा व एनआरटी द्वारा की गई कार्रवाई की हकीकत जानी है तो वह अपने स्तर पर जनहित में एक समिति गठित करे। इस समिति के माध्यम से अदालत अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण का ऑडिट करवाए, साथ ही झूठी जानकारी देने वाले मनपा व एनआरटी के अधिकारियों पर कार्रवाई करे। पवार ने कहा कि बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने एनआरटी व एएमसी क्षेत्र के संदर्भ में सवाल किया है कि जिन अवैध निर्माण को हटाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं होने की बात संयुक्त पर्यवेक्षण समिति ने कही है उसे हटाने में भी 2 वर्ष लग रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में मनपा ने 1075 में से 648, एनआरटी ने 1920 में से 687 और एमएमआरडी ने 1960 में से केवल 463 अतिक्रमणों पर कार्रवाई की है। 2022 के बाद मनपा ने 184 में से 58, एनआरटी ने 462 में से 164 अनाधिकृत निर्माण हटाने की जानकारी अदालत में रखी है। पवार ने इस कोर्ट के दिशा भूल करने वाली जानकारी होने का दावा किया है। उन्होंने सवाल किया कि उक्त कार्रवाई की किसी यंत्रणा द्वारा जांच की गई है या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि संबंधित अथॉरिटी के कुछ अधिकारियों द्वारा ही हॉस्पिटल, मॉल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, टेरेस बार, टेरेस गार्डन रेस्टोरेंट, टेरेस हुक्का पार्लर पर कार्रवाई न करते हुए केवल फुटपाथ के ठेलों और गुमटियों पर ही हथौड़ा चलाया जा रहा है। दिल्ली के कोचिंग बेसमेंट में पानी भरने से 3 निर्दोष विद्यार्थियों की मौत हो गई। पुणे और मुंबई में टेरेस बार रेस्टोरेंट हुक्का पार्लर पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। नागपुर में आला अधिकारी किस कारण से संरक्षण दे रहे हैं? माननीय उच्च न्यायालयाचं संयुक्त पर्यवेक्षण समितीवर जे अतिक्रमणाबद्दल सुरू आहे की शहरामधले अतिक्रमण कॉर्पोरेशन किंवा एनआयटी काढत नाही आहे त्या याच्यावर म्हणून आपण ही आज प्रेस घेतली। म्हणून माझं टायटलच मी हे दिलं की माननीय उच्च न्यायालयाने संयुक्त पर्यवेक्षण समितीवर विश्वास ठेवू नये। जर तुम्हाला माहीत असेल तर 2022 एकदा हा ऑर्डर निघाला होता आणि त्या याच्यामध्ये हे असं झालं होतं की मंदिर, मस्जिद, बुद्धविहार, त्याच्यानंतर गुरुद्वारा हे सगळं तोडण्याचे आदेश दिलेले होते। पण त्या काळामध्ये या कॉर्पोरेशन आणि एनआयटीने ते सगळं मॅनेज केलं आणि ते मॅनेज करून कोर्टाला, उच्च न्यायालयाला चुकीची माहिती पुरवण्यामध्ये हे लोक माहीर आहेत आणि त्या माहितीच्या आधारे त्यांनी जी चुकीची माहिती माझ्याजवळ होती ती पूर्ण माहिती आहे। जर मला कोर्टाने म्हटलं की तुम्ही इंटरव्ह्युनर व्हा, तुम्ही इंटरव्ह्युनर होईल, त्याच्यात तो काही विषय नाही आहे। म्हणून आम्ही हे टायटल दिलं आणि नागपूर महानगरपालिकेने श्रीमंतांबरोबर दोस्ती करून गरिबांचे अतिक्रमण उचलण्याची सुपारी घेतली आहे का? शहरामध्ये किती अतिक्रमण आहे? बरं, शहरातलं अतिक्रमण काढणं हे काही इतकं सोपं काम नाही आहे, पण याच्या पहिले मी कॉर्पोरेशनला अतिक्रमण हॉस्पिटलमध्ये कसं आहे, त्याच्यानंतर कमर्शियल बिल्डिंगमध्ये कसं आहे याचे फोटोग्राफ दिलेले आहेत। मग त्यांचं अतिक्रमण महानगरपालिका का बरं काढत नाही आहे? आम्ही आत्ता जे एक आंदोलन घेतलं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तर्फे शंकरनगर चौकात, मुंबई आणि पुण्यामध्ये तुम्ही टेरेस बारचे सगळं तोडताड करून राहिले, अनाधिकृत जे बार आहेत, पब आहेत, पण नागपूर शहरामध्ये का बरं कमिशनर ॲक्शन घेत नाही आहे, का बरं दबून राहिलं? म्हणजे तुम्ही उच्च न्यायालयाला चुकीची माहिती देऊन राहिले आणि खरी माहिती लपवून राहिले, म्हणून मला आज ही पत्रकार परिषद घ्यावी लागली। पत्र परिषद में ईश्वर बालपुते, अनिल अहिरकर, राजेश माटे, सुनीता गिरने, श्रीकांत शिवनकर, जया देशमुख, माधुरी पालीवाल, रवि पराते, मिलिंद महादेवकर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।